कुछ खोना है कुछ पाना। प्रशासनिक सेवा जन सेवा होती है। एसी वाले दफ्तर और शानो शौकत के जिंदगी से निकलकर जमीन पर बहुत कम ही अधिकारी ऐसे काम करते नजर आते हैं जिन्हें जनता दिल से अपना मानती है और उनसे अपनी परेशानी बताने में जरा भी नहीं हिचकती। ऐसे ही आईएएस अधिकारी हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में पदस्थ कलेक्टर पीएस ध्रुव। पीएस ध्रुव के बारे में आपको पहले ये बता दें कि वो प्रशासनिक सेवा में आने से पहले अपने गांव के सरपंच थे और खेती किसानी से उनका मूल जुड़ाव था और आईएएस बनने के बाद भी पीएस ध्रुव अपनी जड़ें नहीं भूले और उनका ये अंदाज अब लोगों को खूब भा रहा है। दरअसल मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के पहले कलेक्टर पीएस ध्रुव ने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का कितना क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो रहा है ये जानने के लिए खड़गवां तहसील का निरीक्षण किया। इस दौरान जब कलेक्टर खड़गवां ब्लॉक के अंतर्गत रतनपुर से चोपन वाया कोटिया सड़क निर्माण कार्य का जायजा ले रहे थे तभी सड़क किनारे खेत में धान की कटाई हो रही थी। ये देखकर पीएस ध्रुव वहीं ठहर गए और कुछ दूर चलकर खेत की कटाई कर रहे कृषक छोटे लाल और जहान साय से मुलाकात की। ये मुलाकात एक लंबी चर्चा में तब्दील हो गई। कलेक्टर पीएस ध्रुव ने उनसे धान कटाई मिजाई और समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के संबंध में बातचीत की वहीं खुद हाथ में हसिया लेकर उनके साथ धान की फसल की कटाई में भिड़ गए। इस दौरान उनके साथ मौजूद अन्य कर्मचारी अचंभित रह गए मगर जिस तरह एक आईएएस होते हुए भी बहुत सहजता से एक किसान की तरह कलेक्टर ने ये काम किया उससे किसानों को लगा कि मानो उनके बीच का ही कोई व्यक्ति किसानी में उनका हाथ बटा रहा हो। उनका ये वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मुर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत मा के साटी। जिस पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि पीएस ध्रुव आईएएस बनने से पहले एक सरपंच थे और खेती किसानी में उनका जुड़ाव था लिहाजा उन्हें कृषि की अच्छी जानकारी है और फसलों की कटाई के दौरान कलेक्टर पीएस ध्रुव ने किसानों से कहा कि खेत में नमी अच्छी है उतेरा फसल की बुआई करना लाभदायक होगा। उन्होंने कृषक छोटे लाल और जहान साय के खेत में तत्काल तिवड़ा चना गेहूं की फसल बुआई की समझाइश उन्हें दी और कहा कि उन्हें अतिरिक्त आमदनी इससे होगी। इसके बाद कलेक्टर ध्रुव का काफिला जब आगे बढ़ा तब निरीक्षण के दौरान सड़क की कई जगहों पर उन्होंने खुद खुदाई की। कुछ जगहों पर बैठकर मिट्टी गिट्टी की गुणवत्ता को परखा और निर्माण कार्य की लेयर और प्रयुक्त मटेरियल की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया। वैसे आप इस कलेक्टर की कार्यशैली पर क्या राय रखते हैं? क्या सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यही रवैया अपनाना चाहिए जिससे जन सेवा जमीनी स्तर पर हो सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए फोरथाई न्यूज के साथ। नमस्कार। कुछ खोना है।